टीवी जगत में शादियों का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ बिग बॉस फेम राहुल वैद्य अपनी गर्लफ्रेंड दिशा परमार के साथ शादी करने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्टार प्लस के सीरियल पांड्या स्टोर में धारा का रोल निभाने वाली अदाकारा शाइनी दोषी 15 जुलाई को असल जिंदगी में दुल्हन बन गई हैं। शाइनी दोषी ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड लवेश खैर जानी के साथ शाद फेरे लिए हैं। ये दोनों ही कपल काफी समय से शादी की तैयारी में थे, लेकिन कोरोना की वजह से शादी का मुहूर्त टल गया था। 31 साल की एक्ट्रेस शाइनी दोषी ने पिछले साल 4 जनवरी 2020 को अपने बॉयफ्रेंड लवेश के साथ सगाई की थी। शादी के दौरान शाइनी दोषी हैवी लहंगे की जगह रेड कलर की बनारसी साड़ी में नजर आईं। इस साड़ी में शाइनी बेहद खूबसूरत लग रही थीं। अपने लुक को शाइनी ने कुंदन से बने हैवी नेक पीस, झुमके, मांग टीका और बड़ी सी नथ से कंप्लीट किया था। वहीं उनके दूल्हे राजा लवेश ने व्हाइट कलर के कुर्ता पजामा के साथ रेड कलर का नेहरू जैकेट पहना था। इसके साथ ही उन्होंने अपने लुक को पिंक कलर के दुपट्टे और साफा के साथ कंप्लीट किया था। इससे पहले 14 जुलाई को शाइनी के घर पर मेहंदी की रस्म रखी गई थी। इसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। मेहंदी सेरेमनी के लिए शाइनी ने पीले कलर का पेपलम ब्लाउज और स्कर्ट पहना था। इसके साथ ही शाइनी ने इयररिंग्स, मैचिंग बिंदी और मिनिमल मेकअप से अपने लुक को कम्प्लीट किया था। वही मेहंदी वाले दिन लवेश ने व्हाइट शिमरी कुर्ते को चुना था, जिसमें वो बेहद हैंडसम नजर आ रहे थे। शाइनी पिछले 3 साल से लवेश खैरजानी को डेट कर रही थीं। अपनी पहली मुलाकात के बारे में शाइनी ने एक इंटरव्यू में कहा था, हमारी पहली मुलाकात मेरी दोस्त प्रणीता पंडित ने कराई थी। उसने हमें मिलने के लिए कहा क्योंकि उसे लगा कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आगे शाइनी ने कहा, पिछले 6 महीने के दौरान एक भी ऐसा पल मुझे याद नहीं जब मेरा और लवेश का झगड़ा हुआ हो। मैं बहुत खुश हूँ कि वो मेरे साथ हैं। शाइनी दोषी ने अपने करियर की शुरुआत फेमस टीवी शो सरस्वती चंद से की थी। इस शो में शाइनी ने कुसुम का किरदार निभाकर खूब पॉपुलरिटी हासिल की थी। इसके बाद शाइनी ने कई दूसरे शोज में काम किया, जिनमें जमाई राजा, बहू हमारी रजनीकांत, दिल ही तो है और लाल इश्क शामिल हैं। उन्होंने खतरों के खिलाड़ी 8 में भी हिस्सा लिया था। शाइनी श्रीमद भगवत महापुराण में देवी राधा का रोल भी अदा कर चुकी हैं।